फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए दूध बरी की रेसिपी लेके आए हैं, जो गेहूं के आटे से बनी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दूध बरी बनाने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है लगभग 1 लीटर दूध। तो दूध को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने करीब 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम गूंथ लेंगे। जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से लगाना है। तो चलिए इसको हम गूंथ लेते हैं। देखिए, आटे को मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट गूंथा हुआ है। अब इसको सेट होने के लिए करीब हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, ये देख सकते हैं ऊपर मलाई पड़ने लगी है। तो अब गैस को सिम कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें इसको हम सूखा आटा लगाते हुए इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, लगभग इतनी बड़ी। तो आपको जितनी मोटी रखना है उस हिसाब से लोई बनाइए। ये मैंने 4 लोई बना ली हैं। अब इसको हम गोल गोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे। अब इसको हम जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको बेल लेंगे। सूखा आटा लगाते हुए ताकि ये बराबर से बेले। ये देखिए, रोटी बेलकर हमारी तैयार हो चुकी है। और ये देख सकते हैं, ये मैंने एक डिब्बी का कैप लिया है और जिसकी हेल्प से इसे हम गोल गोल कट कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से। आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, जैसे आप नमक पारे कट करते हैं उस तरह से। ये देखिए, और इनको आराम से निकाल लेंगे हम। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी दूध बरी बना के रख लेंगे। दूसरी पूरी भी बेल के तैयार कर ली, एक बार और आप लोग देख लीजिए इस तरह से। इसको भी कट कर लेंगे। निकाल के रख लेंगे। ये देखिए, सारी दूध बरी मैंने बना के रख ली है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बनानी है। ये ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है, देखिए बिल्कुल बराबर हैं। तो अब इनको हम दूध में ऐड कर देंगे। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, ये देख सकते हैं लगभग आधा पक गया है। अब इसी में हम डाल देंगे दूध बरी जो बनाई है, एक एक करके। दूध को अच्छे से उबालना है, उसके बाद ही डालें, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। इसको एक एक करके ही डालिए, इकट्ठा मत डालिएगा। देखिए, दूध बरी को हमने सब डाल दिया है, ये देख सकते हैं। और इसको धीमी आंच में हमें करीब 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ली है। चीनी आप अब कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर मैंने काजू और बादाम को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इलायची पाउडर लिया है ऐड करने के लिए। देखिए, दूध बरी हमारी अच्छे से पक गई हैं, ये देख सकते हैं। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब साथ में ही हम डाल देंगे चीनी और ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, ये इन तीनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। कि देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं, दूध बरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। ये सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू।